दोस्तों मैं जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी जानकारी जो आपकी बहुत मदद कर सकता है, आपकी बहुत काम आ सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई भी बैंक है या कोई भी कंपनी, जितने भी कंपनी है इंडिया में, अगर उस कंपनी की रिलेटेड आपका कोई शिकायत है या कोई चीज़ है, किसी भी कंपनी के रिलेटेड अगर कोई शिकायत है, जैसे बैंक के रिलेटेड या किसी भी कंपनी के रिलेटेड या इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड या लोन कंपनी के रिलेटेड या किसी भी कंपनी के रिलेटेड, जितनी भी कंपनी इंडिया में, सभी कंपनी के रिलेटेड अगर किसी तरह का आपका कंप्लेन है, जैसे कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है और आपका पेमेंट हो गया, आप पेमेंट सक्सेस नहीं बता रहा है, या आपके बिना अनुमति के उस कंपनी द्वारा आपके साथ फ्रॉडिंग किया गया है, इस टाइप का जितने भी कंपनी, किसी भी कंप्लेन, किसी भी तरह का कंप्लेन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक एप्लीकेशन के बारे में, ये बी क्लोजर एप्लीकेशन है। जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के साथ जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल जैसे करेंगे उससे ही आपके अकाउंट को कर देगा खाली ये एप्लीकेशन। इसके बारे में आपको बताया था वीडियो में, तो उसी में आप लोगों का कमेंट था, देखिए स्टॉप करने का ऑप्शन बताए, पैसा कैसे आया आएगा क्या। और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक ललन जी है, इनका भी मेरा भी कट गया 2449 रुपये। फिर एक और दूसरे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन 2449 प्लस 2449 यानी कि 4998 रुपये इनके कट गए, और इनके भी 2449 रुपये कट गए। इसी तरह के बहुत सारे के कट गए हैं, सभी कमेंट किए हैं कि इसका मेरा रिप्लाई बताइए, मतलब कैसे फिर इसका सोल्यूशन होगा, फिर इसको कैसे रिटर्न लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए समय न गंवाते वीडियो को शुरू करते। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, कंज्यूमर कंप्लेंट की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के फॉलो करेंगे, जैसे आप लिंक फॉलो करके आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लेटेस्ट जो भी कंप्लेंट किए, जैसे आंध्रा बैंक के रिलेटेड एक कंप्लेन है, जितने भी कंप्लेन लोग करते सारे कंप्लेन यहाँ पे आपको शो भी कर जाएंगे। आपका खुद का कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर एक अकाउंट बनाना होगा, यहाँ पे साइन इन है, साइन इन पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ से अकाउंट फेसबुक, गूगल, ट्विटर से भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहां से रजिस्टर नो करके अकाउंट बना सकते हैं। जैसे रजिस्टर नो करेंगे तो आप अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड एक चूज करेंगे, कैप्चा देंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे, उसके बाद साइन इन कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। तो अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉग इन कर लेना होगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह आ जाएगा आपका यूजर नेम, अकाउंट, मैसेज, नोटिफिकेशन, कंप्लेन सेंड। ठीक है, हमारा ये लॉगिन हो चुका है। अब किसी भी कंपनी की रिलेटेड कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको एक मिलता है सबमिट ए कंप्लेन। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंप्लेन फॉर्म आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम, किस कंपनी के द्वारा आप, किस कंपनी में के खिलाफ आप कंप्लेन करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको बी ग्लोजर एप्लीकेशन के द्वारा मेरा भी 2449 रुपीज बिना हमारे परमिशन के, जैसे हमने अकाउंट इस ऐप को इंस्टॉल किया था वैसे ही हमारे अकाउंट से काट लिया गया था। ये हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखिए गूगल एग्रोमेंट है, तो ये कंपनी को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जो भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गूगल इंडिया तेज है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम देंगे, कंपनी का नाम तो पता नहीं है, तो मैं गूगल भी सर्च किया तो नहीं आया, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है गूगल एग्रीमार्ट तो ये नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे गूगल को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि गूगल जैसे गूगल पे, गूगल तेज पे या कोई अदर कंपनी की कंप्लेन, जैसे कि जैसे मान के चलिए अगर आपका फोन पे का कंप्लेन है ना, फोन पे जैसे पेमेंट कट गया, पेमेंट सक्सेस हो गया लेकिन पेमेंट पहुंचा नहीं, इसी तरह आपका जो जिसका भी कंप्लेन होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा कंपनी का नाम। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेन सब्जेक्ट
कंप्लेन का सब्जेक्ट क्या, कंप्लेन किस विषय में कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, कंप्लेन क्यों कर रहा है, ठीक है, कंप्लेन का विषय आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लेन लिखना होगा, जो भी आप मैक्सिमम 350 लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है आपका, कंप्लेन इस कंपनी में किस कैटेगरी का आता है, मतलब कि किस टाइप का है, तो बैंक, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, तो बहुत सारे आपके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा बैंक से ये डेबिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना होगा, इंडिया सेलेक्ट रहता है ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिटी देना है, ये भी ज़रूरी नहीं, सिटी दे दीजिए। उसके बाद एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप करना ज़रूरी नहीं है, एड्रेस दे दीजिएगा अच्छा रहेगा। उसके बाद कह रहा है ये जो आप कंप्लेन कर रहे हैं इसके इसके बारे में कोई एक सबूत है या ऑडियो या वीडियो कोई भी चीज़, तो यहाँ पे आपको एड फोटो वीडियो भी क्लिक करेंगे और उस चीज़ को आपको अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ, उस मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मैंने रखा था ये वाले, तो हम इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए अपलोडिंग हो रहे हैं, ठीक है, ये देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट जो ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद ये जो आपको कैप्चर मिले, इस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। चलिए हम फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सब्जेक्ट भी लिख दिया और कंप्लेन भी लिख दिया, उसके बाद मैं पूरा चीज़ भर चुका, उसके बाद जो कैप्चर, इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप कर ले। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तो यहाँ पे पोस्ट एनीवे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्लेन है वो नोट कर लिया गया और यहाँ पे पोर्टल पे हमारा कंप्लेन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, हमारा कंप्लेन नोट हो गया, ठीक है। और ये कंप्लेन सॉल्व होने में 3 वर्किंग डे लगता है, 3 वर्किंग डे आपको लगेगा इस कंप्लेन को सॉल्व होने में, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगता यहाँ पे कंप्लेन को सॉल्व होने में। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, माय अकाउंट आपको मिल जाएगा, माय अकाउंट मिलेगा तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने जितने भी कंप्लेन किए वो दिखाएंगे, उसके पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद मैसेजिंग है, नोटिफिकेशन है और ये 3 वर्किंग डेज के अंदर यह आपका जो इशू, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है यहाँ से। और ये लीगल वेबसाइट है, आप भी यहाँ पे किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी कंपनी के खिलाफ आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते, जैसे यहाँ पे ओला मनी, गो गेयर, आंध्रा बैंक, सभी के जितने भी कंपनी हैं, किसी भी प्रकार की कंपनी, जैसे टाटा इसका DTH का हो गया, किसी भी प्रकार की कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी के द्वारा आप यहाँ पे कर सकते हैं कंप्लेन, जो कि 3 वर्किंग डे के अंदर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाता है, मतलब आपका जैसे जो भी प्रॉब्लम होता है वो कर दिया जाता है। आप भी यहाँ पे जरूर विजिट करें, अगर आपके साथ किसी भी तरह का कंप्लेन करना है तो यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन की वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है और उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं कहिए।